भाई मेरे पे क्वेश्चन एक मिनट रुको सर, बस एक मिनट रुको आप, है ना। अभी एक मिनट म्यूट रखो सारे के सारे, अभी हम लेंगे लेंगे। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं मेरे को आदत है 4 बजे तक जागने की, तो मैं सबके क्वेश्चन ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे का हम सोई है बस, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा। और ठंड लग रही है मुझे, रुक जाओ। तो मैं कह रहा कि बहुत सारे कोर्सेज हैं डीएचए के, आपके 20,000 वाले भी हैं, आपके 8,000 वाले, 8,360 वाले भी हैं, आपके 4,999 वाले भी हैं, ठीक है। तो मुझे आपके अंदर समझना है कि आप में से बहुत सारा कोर्स नहीं भी किया होगा, आप में से बहुत सारा कोर्स किया भी होगा, तो आपके दिमाग में डीएचए को लेकर क्या चल रहा है, और यूट्यूब पे वीडियो, यूट्यूब पे दुनिया भर के क्रिएटर हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है, मतलब सब कुछ चाहिए बिल्कुल, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है बिना किसी फिल्टर के। अच्छा चल रहा है तो अच्छा बता सकते हैं, भैया। गंदा द गंदा। मेन डिफरेंस इन अ पेड कोर्स एंड नॉन पेड इज की पेड कोर्सेज में लाइक बच्चे क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट सपोर्ट मिल जाता है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत मतलब फ्री चीजों में आती है, यूट्यूब पे लाइक थाउजेंड ऑफ रिसोर्सेज हैं, बट सब लोगों को मेंटर, फ्रेंड या कोई सीनियर नहीं मिल पाता जो ठीक उन्हें सही तरीके से डाउट वगैरह बता सके। सो आई ठीक थिंक बस यूट्यूब में कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा, क्योंकि वेरियस क्रिएटर वेरियस वो बनाते हैं। एक बात सुनो यार मेरी, एक बात सुनो। हम सिर्फ 100 ही लोग हैं, ठीक है, कोई और बंदा आएगा नहीं। आराम आराम से चिल मारो, एक एक बंदे को कंप्लीट करने दो, जब उसे कंप्लीट हो जाएगा अगला बंदा शुरू कर लेंगे हम, ठीक है। और आज नहीं होगा अपन कल फिर बैठ जाएंगे, 1,200 में आप नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो एक एक बंदे को कंप्लीट करने दो, उसके बाद हम अगला वाला पकड़ लेंगे, ठीक है। डाउट सपोर्ट आपने बोला, मैंने लिया, अभी आगे बात करते हैं। अभी यार बता, बड़ा ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वे में होने वाला है, तो मत करना। बस अभी ऑन द स्पॉट मेरे दिमाग में आया कि मुझे बात करनी है, इसलिए मैंने टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया। तो अनऑर्गेनाइज तो होगा डेफिनेटली। और बताओ अगला कौन सा? ये मेरे नॉर्मली क्वेश्चन है यार। भाई हेलो, कोई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ना 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया ठीक आईओएस है, में, ठीक है, तो नॉर्मल स्टार्टिंग में करी थी डीएसएल को कि जॉब मिल जाएगी मस्त। तो जॉब करते करते टाइम पे वो जो होता है ना कि प्रोग्रामिंग से आप डेवलपमेंट में चले जाते हो, तो उतना फिर वो ना रहता नहीं है डीएसएल को, तो बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या रहता है ना कि मस्त चल रही कंपनी स्टार्टअप है हमारा क्लास 10 नाम से, और काफी अच्छी फंडिंग आ रही है। तो ग्रो क्लास पास का ऑफिस में तो मैं अभी आया था नोएडा में, 2 महीने पहले, आप मिले नहीं अरे थे। आपके वो मैं वहां एक, का एक आकाश अग्रवाल हैं, हाँ मुकुल रुस्तगी और वासत अग्रवाल। हाँ। तो उनका भी, आपका हाँ एक तो मूवी आया है जो ओयो के वियतनाम के कंट्री हेड थे, वो हाँ हाँ क्लास पर ज्वाइन किया उन्होंने, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी रिसेंटली अभी। हाँ मैं भाई वहां का, मतलब मैं शायद तीसरा चौथा एम्प्लॉय हूँ वहां का। बढ़िया बढ़िया सर, तो तो मतलब वो तो सी कंपनी बहुत मस्त रही है, बहुत मस्त ग्रोथ हो रही कंपनी की, तो बताइए। तो एक वो डीएस वाला पार्ट छूट जाता है कि मतलब अब बोरिंग सा लगता है कि मैं वो एनर्जी नहीं रहती कि क्योंकि बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, देखो मैंने आप भी डेवलपमेंट कर रहे हो। मैं आपको रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ मेरा, बिल्कुल रीसेंट भी। हाँ मतलब ठीक है, यहाँ पे जी, जिसको अगली बार मतलब मैं ना नाम ले लूंगा अगले बंदे का, तो जिसको भी अगला डाउट पूछना वो कमेंट में डाल देना, मैं पकड़ के उसका नाम लेके बोल दूंगा, ठीक है। तो रीसेंट ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी एक इंट्यूट के SG3 के साथ, जो कि 8 साल एक्सपीरियंस था उनको, ठीक है ऋषभ भाई। तो उनको 8 साल एक्सपीरियंस है, वो SG3 बन चुके हैं। SG3 की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो नेक्स्ट लेवल होती है। उन्होंने चीज बोली कि वो आज के टाइम भी मतलब पिछले 8 साल से लगातार भी वो लगातार DSL को कर रहे हैं, SG3 बन चुके हैं। सैलरी बहुत प्यार से 2.5-3 लाख पर मंथ से ऊपर की होगी, कोई ऐसी कमी नहीं होगी, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिल रहे होंगे। SG3 बनने के बाद आपका कोडिंग वाला काम भी कम हो जाता है, आपका जो मेन काम होता है वो डिजाइन रिव्यू का, आपके जो टीम्स ने रिव्यू डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं, आपको रिव्यू कर रहे हो, तो उससे ज्यादा कुछ काम खास होता नहीं। वो तब भी बंदा DSL को फोकस कर रहा है, उसको पता है कि जहां मैंने एक बार टच हुआ DSL का वहां, क्योंकि जितनी आप तेज होती जाती है वो थोड़ी एक क्रिएटिविटी लेवल आपका कम होता जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट तरीके निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। उस चीज पे आपको भी देखना पड़ेगा यार, आपने बताया कि आपको 5 साल हो गए हैं, तो ये एक चीज यार जो आपको साथ लेके चढ़ने पर कंसिस्टेंट दिखाओगे DSL में तभी कुछ कर पाओगे। उनको 8 साल हो चुके हैं, SG3 भी बन चुके हैं, तभी वो चीज कर रहे हैं, तो आप भी इस चीज पे काम करते रहो यार, है ना। और करना क्वेश्चंस तो बता रखे मैंने, अगर आपको मतलब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हाँ देख, शिफ्ट मारने के पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो क्वेश्चन इनफ है भाई, ठीक है। अगर मैं कल हाँ को कोई कोर्स लेके आ भी जाऊं, अभी तो मैंने एक वीडियो भी शूट नहीं करी, ठीक है, कल को मैं लेके आ जाऊं, तब भी ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि वो कोर्स ना लेके अगर आप मेरे से फ्री वो 450 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपको DSL को आ गई है, ठीक है। सिंपल चीज है, पैसे खर्चे हैं तो अच्छा पैसे खर्च के, जैसे भाई ने बताया कि डाउट सपोर्ट आपको मिल जाता है, बट अगर फ्री वाला काम है तो फ्री में आप मतलब, आप तो कह रहे 5 साल से काम करो तो आपको फ्री वाला काम नहीं होगा, स्टूडेंट को थोड़ा
होता है, मेरे फ्री में हो जाता, अच्छी बात है, तोरण को अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कुछ ऐसा, है ना। ऐसे तो वही चीज ऐसे कोई है। दिक्कत नहीं आज। हाँ और अब कब आए थे नोएडा हमारे ऑफिस? कब आए थे ऐसे मैं रिसेंटली आया था यार, अभी 2-3 महीने पहले ही, लॉकडाउन से पहले। तो घूमने ये आ गए? आपका, आप ये यूट्यूबर्स को ऑनबोर्ड करवाते हो ना अपने प्लेटफॉर्म के हाँ हाँ ऊपर, हाँ तो हाँ हाँ उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ सही दिखाता हूँ आपको। ये उन्होंने भेजी थी एक डायरी वाली क्लास प्लस की, तो इसमें उनका हाँ टी शर्ट था और सब कुछ भेजा हुआ था। तो पता हाँ नहीं, मन सा हुआ नहीं, मैं नहीं यार नहीं हो पाएगा, अपन अपना कुछ सोचेंगे, ऐसे फील आएगी। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत। हाँ आगे चलते भैया हैं। एक सेटिस्फाइड हो शेफ चीज भाई आप, आप? हेलो हेलो। हाँ आपके सवाल का जवाब दे पाए हम कि नहीं दे पाए? बढ़िया। बिल्कुल यार बिल्कुल, मजा आ गया बात करके। हेलो आयुष भैया, चौधरी, आयुष चौधरी आप बताएं यार, यहाँ पे जिसको भी लिखना है ना कुछ डाउट पूछना, आप कमेंट्स में आ लो। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने मीटिंग का इंटेंट ही भूल गया, मतलब किसी और की मीटिंग की थी। हाँ भैया आपको फीडबैक भैया चाहिए था। वो, हाँ करिकुलम के लिए भैया मैं, मेरा एक सजेशन है कि हाँ जी सर, मैं वेटिंग रूम में। सर इसमें क्या होता है कि हम लोग कोर्सेस लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेस की वजह से बीच में मोटिवेशन टूट जाता है बहुत सारे बच्चों का। तो हाँ कुछ कुछ ऐसा के मोटिवेशन बना रहा है, लाइक के कुछ लाइव वीडियोस कर लिए के, मतलब अगर बिल्कुल इस टॉपिक पे ये कर लो फिर उसके बाद लाइव क्लासेस होंगे, बिल्कुल तो वो बंदा फिर उसको ऐसा दिमाग में रहेगा कि ये चीज पढ़नी है उसको। ठीक है ठीक और है। भैया मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, मतलब जैसे यूट्यूब पे कोई कोर्स अनाउंस होता है तो वो हाँ बड़े जोश में अनाउंस होता है कि अब हम 2 महीने के अंदर ये सब कर देंगे, और धीरे धीरे एक्स वाई जी रीजन होगा कि वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे या कुछ भी है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो इससे जो बच्चा उसको डे वन से फॉलो कर रहा है ना, उसका बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि उसका पूरा, जैसे इन्हें प्रॉमिस किया, मैं नाम नहीं लूंगा, इन्होंने प्रॉमिस किया कि हाँ दिसंबर सब तक समझ हमारा गया यहाँ ऐसे। मैं इतनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो बताता हूँ सर आपको, अब मैं उसको, मैं समझ मैंने प्लान किया कि मैं दिसंबर तक इतना कर लूंगा, गया। हाँ अब उनका आज तक नहीं आया, आज मई हो गया, तो मेरी जो मैंने सोचा था वो रह गया। तो ये चीज एक मतलब प्रॉब्लम है कि जो कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं रहती, तो उसका रीजन कुछ भी हो। ठीक है। और जैसे कई लोग ऐसा यार मैं करते बताता हैं हूँ कि आपको, मेरी रिसेंटली बात हुई दोस्त है, मैं नाम हम किसी का लूंगा, आप भी किसी का नाम मत लेना। तो उनका रिसेंटली कुछ कोर्स वगैरह चल रहा है यूट्यूब पर चल रहा है, और तो मेरा डिस्कशन हुआ उनके साथ, तो वो कह रहे यार कि यार मैं वीडियोस तो डाल रहा हूँ बट इन वीडियोस को डालने के पीछे ना मोटिवेशन नहीं आती। देखो एट द एंड कोई भी यूट्यूब पर बंदा वीडियो डाल रहा है, चाहे मैं डाल रहा हूँ चाहे कोई और डाल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो डालने का मतलब क्या है कि वो वीडियो लोग देखें। देखने को इंग्लिश में हम बोलते हैं व्यू, है ना। तो बेसिकली आप वीडियो व्यूज के लिए डाल रहे हो कि व्यूज आने चाहिए उसके ऊपर। एक्सेप्ट करना इसको थोड़ा सा खतरनाक है बच्चों के सामने कि मैं व्यूज के लिए डाल रहा हूँ, बट ठीक है, असलियत में एट द एंड आप व्यू के लिए ही डाल रहे हो। तो कह रहे कह रहे वो, उन्होंने मुझे बोला यार इसमें व्यू नहीं आ रहे, क्या चक्कर है। मैंने उसको बोला कि भाई देख, सिंपल यही रीजन है कि मैं अब तक पढ़ा क्यों नहीं रहा। अगर आप पढ़ाने आ रहे हो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो, सिंपल सा लॉजिक है, पहली वीडियो डालोगे 20,000 व्यूज आ जाएंगे, ठीक है, सेकेंड डालोगे 18 हो जाएंगे, थर्ड पे 15, एट द एंड आते 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 जो मैंने ट्रेंड देखा है 3-4 हज़ार, 3-4 हज़ार व्यूज आते, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो ये वाली एक गेम चलती है यार, वो व्यूज वाली थोड़ी मोटिवेशन शायद उस वजह से बंदे ना डाल पाते हो। और यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है, जो मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस से लिया, जैसे मेरा दूसरा चैनल है कोड हेल्प वाला, तो वहाँ पे सेम जैसे आप बता रहे हो कि कोर्स वाला की कोर्स आ जाएगा और वो कोर्स लटका हुआ, तो वो मेरा वाला, मेरा कोर्स भी लटका हुआ फ्लटर वाला, उसकी लास्ट की 5-6 वीडियो पेंडिंग पड़ी अभी तक डली नहीं है। तो वहां पे मेरी गलती क्या है कि मैं एक बच्चे पर डिपेंडेंट हूँ जो वो कोर्स बना रहा है, और जब मैंने वो कोर्स बनाया तब अपने कुछ इतना कुछ यूट्यूब चैनल था भी नहीं, नॉर्मल सा था, है ना। तो वो नॉर्मल ऐसे हुआ था कि उसने मुझे बोला कि भाई हम नॉर्मल, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे आता है, बस कम्युनिटी कुछ देना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है आप पढ़ाओ, बट जब आपने पैसे नहीं दिए होते, जब मैंने उसको पैसे नहीं दिए हुए हैं, तो मैं उससे काम निकलवा नहीं सकता उस लेवल का जिस लेवल का मैं चाहता हूँ, मैं फोर्स नहीं कर सकता, है ना। तो वहां पे मेरी ये गलती थी कि मैंने किसी से काम फ्री में करवाया, तो वो मैंने सीख लिया कि ठीक है अगली बार मैं अगर किसी को लेके आ रहा हूँ तो वो बंदा पैसों के ऊपर होना चाहिए, ताकि जब मैं उसको बोलूँ कि मुझे आज वीडियो चाहिए तो मुझे आज वीडियो चाहिए। यहाँ पे ये गलती है। सेकंड चीज, अगर मैं खुद कोई सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ या कोई और क्रिएटर खुद कोई सीरीज क्रिएट कर रहा है, तो वहां पे लर्निंग ये है कि आपके पास एटलीस्ट 50% सीरीज की सारी वीडियोज पहले से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। जब मेरे पास वो बफर पड़ा होगा कि मैं आज एक डालता हूँ, 50% सीरीज मेरी बनी पड़ी है, बीच में कुछ मान लो कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोरोना हो जाता है किसी को, आजकल चल ही रहा है ना हो वैसे किसी को, तो बाकी वीडियो शूट कर सकते हो आप, वो बफर आपके पास है ना। तो वो एक चीज है।
और बाकी इसमें व्यूअर्स कुछ नहीं कर सकते कमेंट करने के अलावा, कमेंट और डिसलाइक करने के अलावा। आप बोल सकते हो कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, डिसलाइक कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बस क्रिएटर को सोचना है कि भाई मेरी इज्जत खराब हो रही है, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझे पता लग गया मेरी इज्जत खराब कर दी लड़के ने, अब अगली बार मैं किसी को लेके आऊँ तो पैसों पर लेके आऊँ, फ्री पर, फ्री में नहीं लेके आऊँ, है ना। तो ये इसका सोल्यूशन एक ये भी तो हो सकता है कि फुल कोर्स की एक ही वीडियो डाली जाए, जिससे 8 घंटे की, 16 घंटे की, पता क्या है फुल कोर्स आप मतलब कह रहे हो कि 8 घंटे की वीडियो बना के डाल दो, ऐसा कह रहे हो। तो उसने वीडियो बनाई उसका मन है कि लोग देखें, तो लोग देखते तब है। ज्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि तब वीडियो की लेंथ छोटी होती है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मेरा, जब मैं खुद सिंगल अपनी वीडियो में पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, कन्वर्सेशन में नहीं होता, मेरा इंटेंट ये होता है कि मेरी वीडियो 10 मिनट से छोटी होनी चाहिए, चाहे मुझे तेज बोलना पड़ता है। क्यों क्यों भाई 10 मिनट से छोटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि भाई 10 मिनट से ऊपर जाएगी इनका मन नहीं करेगा देखने का, 10 मिनट से नीचे होगी तो साइकोलॉजिकल होता है कि बंदा बोलेगा चल देख लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं। वो चाहे 10 वो चीज है, फुल कोर्स की वीडियो तो सही होती है, मोटिवेशन मिलता है और व्यूज के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हमारे हमको पूरा कोर्स मिल गया। बट मैंने इतनी सारी वीडियोस डाउनलोड करके रखी हुई है, मैंने सोचा था कि उसको देखूंगा, लेकिन वही फिर लास्ट में आ जाता है, वो पड़ी रह जाती है वीडियो। सर से मैं जाता था अभी 11th 12th में साइबर कैफे में, उस टाइम पर तो जियो जियो वाले गेम होते ही थी, तो एक चैनल था कॉलेज पीडिया, है ना। तो मैंने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किया था जेई के लिए, तो मैं जाता था पेन ड्राइव में कॉलेज पीडिया की केमिस्ट्री की वीडियोस डाउनलोड कर करके लेके आता था, पूरा मेरे पास स्पोर्ट्स पढ़ा हुआ है, पर मैंने आज तक एक वीडियो देखी उसकी, मैं कभी देखेंगे देख नहीं पाया मैं, कॉलेज हो गया, कॉलेज पास आउट हो गया, वीडियो आज तक पढ़ी है वो, आज तक नहीं देखी मैंने। तो वही चीज है, जितना मैंने देखा दो ऑप्शन है यार, अगर मान लो मैं कोर्स क्रिएट करता हूँ, या तो ऑनलाइन, या तो हम रिकॉर्डेड कोर्स करें, है ना, रिकॉर्डेड कोर्स, सेकंड हमारे पास लाइव क्लासेस चलाएं। रिकॉर्डेड कोर्स का जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एक रिसेंट मैंने कोर्स किया था सेलिंग के ऊपर कि बेचते कैसे हैं चीजों को, है ना, तो वो रिकॉर्डेड कोर्स जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता मेजॉरिटी केसेस के अंदर, भले ही आप 70% कर लो, 80% कर लो, उसको 100% करना बहुत मुश्किल होता है। इस पे कौन कौन एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है? एक तो पहली चीज वो कोर्स सस्ता है, सस्ते कोर्स में भी एक और दिमाग में आता है कि यार क्या ही होगा इसके अंदर, तो वो चीज आपको रोक लेती है कंप्लीट करने से, वो रिकॉर्डेड कोर्स नहीं हो पाता है। सेकंड ईयर लाइव कोर्स, लाइव कोर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, समझ रहे हो आप। मैं सोचिए अगर मैं लाइव आपको पढ़ाऊं आके, है ना, एक प्लेटफॉर्म है आपको पता है वहां पे लाइव पढ़ाया जाता है, उन्होंने अप्रोच किया था मेरे को, मैंने ये अपने टेलीग्राम पे बताया भी था आपको, करने को मैं वहां चला जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं वहां पे जाके पढ़ाने में, पैसे बहुत 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 सारे दे रहे हैं, समझ रहे हो, इतने सारे दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जितने आपको अमेजोन में नहीं मिलते उससे 7-8 गुना ज्यादा फ्रेशर बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। बट दिक्कत यह है कि वहां पर जो कोर्स का प्राइस होगा ना यार, जब आप लोगों को वहां पर पढ़ने के लिए आना पड़ेगा, तो आपकी जेब से भी जो उस कोर्स की वैल्यू इतनी है, बट आपकी जेब से वो इतना पैसा जाएगा, वो जो आपकी जेब से इतना पैसा जा रहा है मेरे को इतना पैसा देने के लिए, वो चीज थोड़ी दुख कर रही है कि नहीं यार ये इतनी वैल्यू है नहीं जितनी जेब, क्योंकि डेफिनेटली यार आप एक बच्चा होता है उसका फेवरेट क्रिएटर होता है, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, आपका कोई ना कोई और होगा, किसी ना किसी कोई ना कुछ होता है ना, तो वो जहां पर पढ़ाता है लोग वहां पर देख लेते हैं कि हाँ चलिए अच्छा पढ़ा रहा होगा मैं चले जाता हूँ, बट उस चीज की वर्थ उतनी नहीं है। और आप वहां पर आके उतना पैसा दो ताकि मेरी जेब में उतना पैसा जाए, तो इसलिए मैं रुका पड़ा हूँ। और ये जो कन्वर्सेशन फंसी पड़ी है, ये फंसी पड़ी है पिछले साल के नवंबर से, नवंबर में बैंगलोर भी गया था, मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था उसके रिगार्डिंग, तो वो फंसी पड़ी है, मन नहीं मान रहा कर करके, तो एट द एंड मैंने सोचा कि भाई ठीक है ये सब हटाओ, अगर मैं खुद का ही कर लूं तो क्या रहेगा, है ना। तो खुद का करने में फायदा ये है कि हम जो अमाउंट है ना, जो इतना बड़ा अमाउंट है वहां पर, उसको मैं कितना कर सकता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ कि वो अमाउंट को कितने से डिवाइड करना, ठीक है, ये हो गया 35,000 रुपए और ये हो गया, ये कितना हो गया भाई, ये मैथ कमजोर होगी भाई मेरी, अब 70 1/70 अपन कर सकते हैं, सोच कर देखो आपकी जेब से जो पैसे जा रहे थे उसका 70वां हिस्सा कर सकते हैं, समझ रहे हो, उतनी उसकी वर्थ है, उससे ज्यादा की वर्थ भी नहीं है उसकी। और बाकी ये वाली पता है कि 360 में लाओ और फिर 8 या 360 कर लो,
वो तो है ही, बट वो अपन नहीं करेंगे टेंशन नहीं लेने। ये सीन ऐसा है कि जो भी सारे पेड कोर्सेज है ना उसके लिए लोग इसलिए जाते हैं बस क्योंकि उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, छोटी वीडियोस मिलती हैं और एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस होता है कि आप साथ में ये कर लो, ये देखने के बाद ऐसे ऐसे कर लो और एक असाइनमेंट दे देते हैं। और सारा मैंने देखा था, कुछ छूटता नहीं क्या। मुझे एक मिनट दो यार, बस मुझे ना एक मिनट दो, मैंने सब कुछ लिख रखा, क्रिएट कुछ नहीं करा बट मैंने लिखा हुआ सब कुछ क्लास पे। ऋषभ सर आपकी डायरी में हो रहा है सब एक साथ मत, मतलब आप अपना एक अलग पोर्टल बना दो, उसको फ्री रखो। और जैसे आपने कहा कि एक हफ्ते मैं हैश मैप भी रिलीज कर रहा हूँ और ये अगले एक महीने के लिए रहेगा इस पोर्टल पे, और जिसको भी देखना है वो एक महीने के अंदर देख सकते हैं। और आप उसमें रेवेन्यू मॉडल जो है वो एड्स वाला निकाल लो रादर देन कि बच्चों से पैसे लेना। यार पता क्या, यहाँ पे एक लॉजिक है कि वही वाली चीज है आपके अंदर, मेरे को मतलब इसमें ये लगता है कि अगर अगर आपके ऊपर वो नहीं होगा ना कि यार पैसे ले लिए तो शायद वो जो चीज है वो रिकॉर्डेड वीडियो की तरह चल जाएगी। यार एक कर लेंगे बट अगर कंटेंट की वर्थ होगी तो बच्चे को लगेगा कि अगर मैंने एक महीने में नहीं देखा और ये मेरा मिस हो गया तो फिर मेरा लॉस है। और कंटेंट की वर्थ में पता क्या, मैं सोचता था कि इस तरीके से करते हैं कि अपन क्या करते हैं, मैं 100 बच्चे उठाता हूँ, ठीक है 100 बच्चे उठाने, जैसे भी हम 100 बच्चे आ गए तो ऐसे 100 बच्चे करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। हम करते हैं शुरू फ्री में, बिल्कुल कुछ नहीं करना, अपन सिर्फ पढ़ते हैं बैठ के आराम से, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और रिजल्ट लाते हैं बढ़िया, प्लेस होते हैं बढ़िया बढ़िया जगह। उसके बाद मार्केटिंग अपना ऑर्गेनिक होनी चाहिए ना कि भाई असली में ढंग की पढ़ाई हुई है, वो मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि मैं अरे भाई फैला वो वाली बात सुपर क्वालिटी भैया। इस सर बाहर के कोर्स की ये भी होती है ना कि मतलब कॉलेज की फीस तो इतनी, फिर मतलब ये डीएसएल को की मतलब कुछ ज्यादा महंगी आ रही है कोर्सेस एंड ऑल। डीएसएल यार अभी पता क्या है, डीएसएल को वाला ना कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ चुका है। अगर आप देखो कि दुनिया भर के यूट्यूबर आ चुके हैं, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं, तो ये तो 21,000 वाली चीजें थी, नीचे आ रही हैं, आएंगी। तो YouTube है, मतलब प्लेटफॉर्म्स पे तो मतलब वो प्रॉपर कोर्सेस नहीं मतलब अभी तक मुझे मिला है, बाकी को तो नहीं पता। यार YouTube में मिलने को आपको सब कुछ मिल जाएगा 100%, बट YouTube में होता है कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। और जैसे भाई सबसे पहले जो सर ने बताया था हमको डाउट सपोर्ट के बारे में, वो चीज आपको नहीं मिल पाती है ना। और कि लाइक जैसे है ना, अगर अपन यूट्यूब पे करते हैं ना, तो जैसे मान लो कि लाइक मेरे तो कॉलेज में एनवायरनमेंट नहीं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मोटिवेटेड रहूँ कि वीडियोस करूँ, पर कहीं जहाँ डाउट आता है ना वहाँ अटक जाते हैं ना, तो बिल्कुल लोनली फील करते हैं कि पूछे तो पूछे किससे। तो इसका मतलब एक सोल्यूशन देना चाहूंगा कि एक डिस्कॉर्ड पर कम्युनिटी है, तो वो भी क्या है ना, शितेश मिगलानी करके कोई है एक अमेजोन में भी, वो भी काम करता है, तो वो भी क्या है डीएसए के आजकल एक कम्युनिटी ने स्टार्ट किया डेफनेस्ट के नाम से। तो क्या करता है रोज रोज वो लेता है, क्या बोलते हैं रोज है ना अपना लेक्चर लेता है, और एक डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, तो वहाँ पे जितने भी लोग है ना तो एक टीम में इंक्लूडेड है, तो हर बच्चा एक टीम में इंक्लूडेड है 8 से 12 जनों की टीम में, और रोज स्क्रम होती है, रोज हम अपडेट देते हैं कि आज हमने ये किया कल हमने ये किया, और उसके बाद जो भी डाउट्स होते हैं ना तो हम एक साथ बैठ के क्वेश्चंस करते हैं। तो अगर आप उसके डिस्कॉर्ड सर्वर पे देखोगे तो रात को 2-2, 3-3 बजे भी बच्चे तीन चार बच्चे एक साथ बैठते हैं, तो उसे मोटिवेशन भी मिलता है ऐसे कि एक बच्चा कर रहा है तो हम भी उसके साथ करें तो फायदा है। अभी क्या तारीख हो रही है, अभी 30 तारीख हो रही है, 3 जून से पहले पहले डिस्कॉर्ड सर्वर हम लाइव करके देते हैं अपना खुद का, ठीक है। ये जो आपने मार्केटिंग वाली चीज बताई ना कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं और फिर मतलब उससे ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी, तो इसमें एक प्लस पॉइंट ऑलरेडी आपका चल रहा है कि वो जो 450 क्वेश्चंस वाली शीट है ना, मैं अभी DTU में हूँ तो मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब ब्लाइंडली उस शीट को फॉलो कर रहे हैं और सबको बहुत हेल्प मिल रही है उससे। तो हमारे सीनियर्स भी ये कह रहे हैं कि भाई लव बबर वाली शीट कर लो, तुम्हारा इंटर्न अगले साल सॉर्ट हो जाएगा। तो एक तो वही है, तो हम एक ऐसा कर सकते हैं, कैसा मतलब वो तो कर ही सकते हैं जो आपका वो है, और एक ऐसा पोर्टल बना सकते हैं जिसपे हम सबको वो शीट के क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज करके सब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले एरेज करो फिर एरे लिस्ट करो ऐसे करके, मतलब स्टार्टिंग जो बेसिक डीएसएस लेके एक यूट्यूबर है जो वो ही कर रहे हैं अभी तक, आपकी शीट को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं बच्चों को। बच्चों का मुझे पता है, उनकी लिंक्डइन पोस्ट आई थी, 3 बच्चे हैं तो उनकी भैया अभी एक काम कर सकते हैं पाल भैया भैया आप ये काम कर सकते हैं, जैसे कोई भी पेड कोर्स होता है ना तो उसमें स्ट्रक्चर होता है कि भाई पहले स्टेप ये दूसरा स्टेप ये, और उसमें नोट्स भी साथ में मिलते हैं, जैसे एरे पढ़ा एरे की थ्योरी मिल गई और 5-6 क्वेश्चन डाल दिए और वीडियोस देगा, फिर एक अलग यानी एक देते हैं शीट जिसमें जैसे आपने एरे कर लिया
तो एरे के जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस सीट से कर लीजिए एरे, एक स्ट्रक्चर वाइज, जैसे पहला लेवल का ये क्वेश्चन है एरे, दूसरे लेवल का ये है, ऐसे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, कर सकते ठीक है। नोट्स तो बस मेरे पास ना, बस अभी थोड़ी श्योरिटी होती ना, अगर मेरे को वहाँ टीम से श्योरिटी मिलती है वो मुझे प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे, और उन टाइम पीरियड मुझे दिया 8 से 9 महीने, मैंने कहा इतना टाइम 8 से 9 महीने कौन लगा रहा, इससे कम मतलब खुद ही बना लेंगे, कैसी बातें कर रहे हो। वो श्योरिटी की वजह से तो अब तक मैं आपको एक्टिव करके देता प्लेटफॉर्म पूरा का पूरा, तो वो एक चीज थी जो अभी तक। और एक और चीज कर सकते हैं, जैसे एरे का बेसिक की वीडियोस अलग और एरे की एडवांस की वीडियोस अलग। हाँ। मतलब जैसे बेसिक की वीडियोस अलग हो गई, उसके क्वेश्चंस भी अलग हो गए, और जो एडवांस का है उसके क्वेश्चंस अलग हो गए और एडवांस की वीडियोस अलग हो गई। ये दो स्टेप आप इसमें इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। एक मिनट रुको, इसमें क्या ना, अब हम 4-5 बच्चे हैं, हम 4-5 ही बात कर रहे हैं, बाकी सब बोलेंगे हम पागल हैं क्या, तो एक बार सबको मौका देते हैं ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग से आते हैं यार, सबसे पहले हमारे पास आयुष चौधरी हैं, आप बताएं सर आपके डाउट्स हैं या फिर आपको सजेशन फीडबैक वगैरह है तो हम डिस्कस करते हैं। मेरा तो डाउट बेसिकली ये था कि मेरा अभी 5 महीने बाद कैंपस में इंटर्नशिप का वो है, पर हमारा कोडिंग टेस्ट नहीं होता क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मैं ट्रिनिटी कॉलेज डब्ल्यू से हूँ, 15 बच्चे बैठते हैं, 30 कंपनी आती है, तो हमारा सीधा इंटरव्यू होता है। हाँ। तो मैं उसके लिए पूछ रहा था कि किस लेवल तक की तैयारी चाहिए होती है, क्योंकि मैंने अभी अमेज़न का टेस्ट दिया था इसी समर, उसमें हाँ। मेरा एक क्वेश्चन हुआ था, एक नहीं हुआ था। क्वेश्चन क्या था, याद है कुछ? एक तो हैश टेबल का था, वो अपने को जो करिकुलम में करवाया था डीएस एल्गो में, वो उसका 80% था, हैश टेबल का था। ठीक है। दूसरा कुछ हाउस वाला था, मेरे को नहीं हुआ क्या करूँ कैसे करूँ। ठीक है। फिर मैंने अब तो मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा कि मैं कॉम्पिटिटिव पढ़ूं या फिर अपने इस पे ध्यान दूं जो ऑलरेडी मेरा पहला आपका पहला फोकस होना चाहिए कि आपके डीएसएल को बहुत तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है। डीएसएल को सबसे पहले तगड़ी कर लो, कॉम्पिटिटिव थोड़ा सा टच लेना होता है, कॉम्पिटिटिव ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव बहुत ही करनी पड़ेगी तब जाके प्लेसमेंट होगी, कॉम्पिटिटिव का टच लेना होता है छोटा सा टच, क्या कि क्वेश्चन को कितनी जल्दी कंप्लीट करना, वो टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए, वो स्टोरी की फॉर्म में जो क्वेश्चन होता है उसको समझ के कौन सा डीएस लगाना है कौन सी एल्गो लगानी वो समझ में आ जाना चाहिए, वो टच लेने के लिए होता है, कॉम्पिटिटिव में चैंप बनने का फायदा नहीं है। डीएस एल्गो फोकस रखो, उसको तगड़ा कर लो, 450 लिस्ट है उसको कंप्लीट कर लो, डीपी में फंस रहे हो 100-150 क्वेश्चन के निपटा लो, उतने में आपका कोई भी टेस्ट हो कोई भी इंटरव्यू, इंटरव्यू सारे चल जाएंगे, इंटरव्यू का इंटरव्यू तो सारे निकल जाएंगे, कोई ऐसा इंटरव्यू होगा नहीं जो फंसेगा आपका। और सर बात बड़े हो गई है सर, सिर्फ भूल गए। कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं, अभी अगली वीडियो का थंबनेल बन गया, देखोगे क्यों नहीं? थंबनेल आप बनाते हो? नहीं मैं नहीं बनाता यार, भाई इसका नंबर क्या है? काफी बढ़िया। तो ये आपकी 20 साल की एक बच्ची है और इन्होंने फेसबुक के अंदर बग निकाला है, इन्होंने गूगल के अंदर बग निकाला है, इन्होंने इनको फेसबुक ने भी 5.5 लाख रुपए दिए बग निकालने के, है कुछ नई चीज। तो भाई मैं डीएसएल वाली वीडियो डाल डाले वो नया डालते हैं, है ना, तो कुछ इंस्पिरेशन लेकर नए चलेंगे आप एक्सप्लोर करने के लिए आगे। जो एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं सर, वीडियो होनी पड़ी है वो भी डन, 3 जुलाई को आएगी वो, एक्टिविटी लग रही है। ठीक है क्या?
बारे में बताया
Yeah,
फैसिलिटी मेरे साथ नेटवर्किंग करने की, ठीक है।
और एक टाइम निकल जाए 12 बजे के 8 डाउट आते हैं।